यहां से दफा हो जा। मोट हमारे अंदर हीन भावना भरने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसका देखा इस तरह प्रकाश अपनी आंखों से, किस तरह देखूंगा उसका शर्मनाश अपनी आंखों से। जा दफा हो जा यहां से, और वनवासियों से कह दे लंकेश्वर लड़ने मरने से नहीं घबराता। दफा हो जा, अगर ये यहां से नहीं जाता तो इसे धक्के मारकर निकाल दो। अच्छा भाई, यदि आपकी यही इच्छा है, मेरी बात कोई आपको कड़वी लगी हो तो अपराध क्षमा करना। मैं आज होकर कठोर चला, उसका तो तुम्हें मुबारक हो। मैं शिलांग की ओर चला। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। जा कुलद्रोही, यहाँ से दफा हो जा। हमें इसकी परवाह नहीं। शाबाश बेटा मेघनाथ, मुझे तुम जैसे वीरों पर नाज है। श्री राम। जय श्री राम। लंकेश्वर प्रणाम। प्रणाम, हमें प्रणाम करने वाले तुम कौन हो? रामदूत बाली सपूत वीरंगत। अंगद कहो, क्या है मुझसे काम? लंकेश्वर, तुम्हारे नाम प्रभु श्री राम का संदेश लाया हूं। चले जाओ यहां से, मैं कोई संदिग्ध संदेश नहीं सुनना चाहता, और ना ही किसी राम और बाली को जानता हूं। लंकेश्वर, बाली को यदि भूल गए हो तो कोई बात नहीं, परंतु अफसोस श्री राम नाम भुला बैठे हो। क्या क्या तू तो दूधनी लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं? चीना है जिनका राजपाट दर दर दुखियारे फिरते हैं, जिनकी सुंदर सी नारी लंका के बंदी गृह में है, क्या तू उन्हीं का गुलाम बनकर आया है? गुलाम नहीं, राजगद में चूर यू उल्टा बोलने की कोशिश न कीजिए। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर है, तू शेरों से भी कमतर है। शेरों के बच्चे, यदि मरना नहीं चाहता तो यहां से दफा हो जा, वरना तुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लंकेश्वर, मृत्यु के डर से जो भागते हैं वह जीवित सृष्टि के हत्यारे हैं, और जो मृत्यु को अंतिम सांस से सजाते हैं वह अमर हो जाते हैं। बहुत बहादुर दिखाई पड़ते हो, जो मौत को अपनी अंतिम सांस से सजाना चाहते हो। हम तुमसे प्रसन्न हुए अंगद, और हम तुम्हारी बहादुरी की दाद देते हैं, और हम चाहते हैं कि तुम हमारी सेना में सम्मिलित हो जाओ। हम तुम्हें अपना सेनापति बना देंगे। क्या लंका में वीरों की कमी पड़ गई है जो हमें सेनापति के पद से सम्मानित करना चाहते हो? लंकेश्वर, धरती मनुष्य से सत्प्रेम और वीरता का अमृत चाहती है। मैं तुमसे सत्प्रेम का नाता जोड़ने आया हूं, तुम्हारा सेनापति बनने नहीं। तो स्पष्ट बता क्या चाहता है? जानकी माँ की रिहाई और प्रभु श्री राम से संधि में ही तुम्हारी भलाई है। यदि वे संधि चाहते हैं तो राम और लक्ष्मण को अपने प्राणों की भीख मांगनी होगी, और
और मेरे राक्षस भाई विभीषण को मुझे वापस लौटाना होगा। दुष्ट भगत विभीषण को राक्षस कहते हो? राक्षस जन्म से नहीं कर्म से होता है। और कान खोल कर सुन लो, अपने प्राण बचाना चाहते हो तो प्रभु श्री राम के चरणों में बड़ी विशाल जगह है। नादान, यहां से दफा हो जा। अगर उन दोनों को सीता प्यारी होगी तो वे खुद मेरे चरणों में चल कर आएंगे। मैं भीख नहीं लेता हूं, जो कुछ भी लेना होता है अपने बाहुबल से लेता हूं। लंकेश्वर, पाप तेरी रग रग में भरा हुआ है, बुझाओ में इतना ही बल था, तू भिखारी बनकर क्यों आया था? अरे मूर्ख, भिखारी बनकर सीता को लाना, यह तो हमारी एक नीति थी। दशकंदर, जिस कार्य में आत्मा का पतन हो वह पाप है, और पाप से तू अब भी बाज नहीं आ रहा। साधु सन्यासियों जैसी बात कर हमारे सामने कोई आवश्यकता नहीं। जा उन तपस्वियों से कह दे, रावण लड़ने मरने से नहीं घबराता। मैं एक बार फिर कह देता हूं, लड़ाई में कोई लाभ नहीं, संधि में ही लाभ है। क्या संधि की रट लगाई है? जा उनसे कह दे, रावण लड़ने से नहीं घबराता। तत्को तेरे उलट नाश कर देता भी, काट कर सिर तेरा श्री रामचंद्र में रख देता भी। लंकेश्वर, मैं फिर कहता हूं, अगर संधि ना हुई तो बहु बेटी विधवा हो जाएंगी, माथे की बिंदिया मिट जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, नगर में चारों ओर कोहराम मच जाएगा, धरती लहू लुहान हो जाएगी और नगर में चारों ओर चीना मंडराएंगी। बंद कर बकवास, कायर बुजदिल ही संधि संदेश भिजवाते हैं और योद्धा रण में लड़ते हैं। वह कायर बुजदिल नहीं, राजेश्वर परमेश्वर है, पहचानने में तुझे धोखा हुआ है मूर्ख। ले आए हो पर नारी को भिक्षु बाबा बन चोरी से, तारीफ तुम्हारी तो तपती लाके लड़के से चोरी से, जिनका एक छोटा सा दूध अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगी, बेखौफ समुंदर पार गया, जिनका तेजस्वी रूप निहारनी स्वरूप नखाती है, सीता जी जो बुआ तुम्हारी होती लंका में सती साध्वी है। गुणहीन जानकर बाप ने जिन्हें देश निकाला दिया, नारी विरह में जो दर दर की ठोकर खाते हैं, तू उन्हें राजेश्वर परमेश्वर कहता है? मूर्ख, जिनका तू मुझे भय देता है, मेरी नजर में वह दो सन्यासी। अगर तू उन सन्यासियों का तेजस्वी रूप देखना ही चाहता है तो है तेरे लंका में कोई ऐसे भी जो उनके दूध का धरती पे टिका पांव उठा सके? जय श्री राम। मेरे बलवान वीरों के सामने पेड़ पर उछलने कूदने वाले बंदर, तेरी क्या औकात है और तू यहां क्या पांव जमाएगा? बात रहो, आगे बढ़ो और इसे पाव समेत उठाकर फेंक दो। तोड़ लिया तेरे भादुरों ने वीरंगत का पाव, वीरंगत का। जाओ, इसे पैर समेत उखाड़ फेंको। सूर्य से नजर न डालू तो अंगार ला दू, और तेरे इस कदम को मैं यूं उठा दू। Thank you.
सूरज को देखूं तो अंगारे बरसा दूं, नदियों को देखूं तो लहरें थमा दूं, और तू चले बादल को देखूं तो बादल शहर का अस्तित्व मिटा दूं। स्वर्ग और पताल का पलड़ा मिला देते हैं हम, पैर की ठोकर दे ऊंचा ला देते हैं हम, क्रोध की अग्नि दे सारा दुखा देते हैं हम, पर्वतों को फूंक दे पानी बना देते हैं हम। ओए अंकल, तू किस गवर्नमेंट में खड़ा है? अगर यहाँ से लंगड़ा होकर नहीं जाना चाहता तो अपना बाल धरती से उठा ले। जल भवन की चाल से कौवा खिला करते नहीं, मच्छरों की फूंक से हाथी उड़ा कर लंकापति किसी और को भेजो। जाओ पुत्र मेघनाथ, इस वाना का घमंड चूर चूर कर दो। जो आज्ञा पिता श्री। यह तुम्हें क्या हुआ इंद्रजीत? इंद्र को पराजित करने वाली उन भुजाओं को आज क्या हो गया? उत्तर दो इंद्रजीत। पिताश्री आप चिंता ना कीजिए, आज मुझे क्षमा कीजिए, किंतु अंगद याद रख तुझे मैं रणभूमि में देखूंगा, तू मेरे सामने कितनी देर टिक पाता है। इंद्रजीत जिनके मन में छल और धोखा होता है उनका मनोबल इतना गिर जाता है कि वह आसान से आसान कार्य भी नहीं कर सकता। पाप से तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं और आए थे वीरंगन का पांव खाने। दुष्ट पापी अपने पाप कर्मों का तू आज नजारा देख ले, शक्तियां भी छोड़ती है साथ तेरा देख ले। आओ छत्रधारी अब तुम्हारी बारी है। नादान किस घमंड में खड़ा है, बिरथती है मौन, आकाश डावा डोले, जिसके भैंसे पर्वतों की चोटियों में झोले, जिसने नीचा कर दिया धरती के बल अभिमान को, आज ये मान रहा है डराने उस बलवान को। सेवक के पांव पकड़ क्यों तू अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण इसमें क्यों लज्जा खाता है? सहम जाते हैं दानव देव, सिर्फ आंखें दिखाने से हुआ है काल भी में भी मेरी लंका में आने से। अरे मूर्ख, जुगनू के प्रकाश से चंद्रमा की रोशनी कम नहीं होती। जय श्री राम।